नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MZT एजुकेशन में। आज हम आपके साथ साथियों डिस्कस करेंगे लेखपाल यानी कि पटवारी की कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि हाल ही में 2022 में जो परीक्षा आ चुकी है, तो इस परीक्षा में बैठने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं, कितना आपको फ़ायदा होने वाला है, और पटवारी का सेहरा बनने से पहले आपको अपने खर्चों के हिसाब से अपना जीवन निर्वाह करने योग्य सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सैलरी के बारे में, बोनस के बारे में, एक्स्ट्रा इनकम कितनी होने वाली है, सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले साथियों, आपके सामने एक क्वेश्चन रखेंगे, उस क्वेश्चन को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और बाद में हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। तो निम्न में से किसके शासनकाल में पटवारी प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो भैया अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं और अलाउद्दीन खिलजी, ये चार ऑप्शन है। इसका आप सभी लोग आंसर करेंगे, उसके बाद वीडियो के अंत में इसका आंसर भी बताएंगे, और आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बात करेंगे पटवारी यानी कि लेखपाल की। तो लेखपाल की सैलरी कितनी मिलती है, कितना पे आउट होगा? तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर कि इसके बेसिक पेमेंट की, बेसिक पेमेंट कितना मिलता है। तो बेसिक पेमेंट की बात करेंगे तो लेखपाल सैलरी 21,700 रुपये बेसिक पेमेंट हो जाता है। जबकि बात करेंगे अगर कि ग्रेड पे कितना है, तो ग्रेड पे की बात करेंगे तो ग्रेड पे हो जाता है इसका साथियों 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये ग्रेड पे हो जाएगा, और बेसिक पेमेंट कितना है 21,700 रुपये है। और बेसिक पेमेंट और ग्रेड पे दोनों अलग अलग होते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे HRA की, HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। तो हाउस रेंट जो अलाउंसेस हैं यानी कि HRA, यह तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्स कैटेगरी, दूसरी हो जाती है वाई कैटेगरी, और तीसरी हो जाती है जेड कैटेगरी। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि आप पहले ये समझेंगे कि तीनों कैटेगरी अलग अलग होती हैं, यानी एक्स कैटेगरी के अंतर्गत यानी कि जो आपका HRA होगा वह क्या होगा, यानी जो महानगरीय क्षेत्र हो जाएंगे, बड़े क्षेत्र हो जाएंगे, वहाँ पे रहने के लिए आपको क्या होगा, हाउस रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। जब हाउस रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा तो यहाँ का जो HRA हो जाएगा वह 2400 रुपये हो जाएगा, जबकि वाई जो क्षेत्र का हो जाएगा वो हो जाएगा 1200 रुपये। यहाँ पर अगर बात करेंगे जेड क्षेत्र की, तो यहाँ पे मिलता है 800 रुपये। तीनों में अलग अलग है, यानी कि जो बड़े नगर हो जाएंगे, महानगरी क्षेत्र हो जाएंगे, जैसे इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, यानी कानपुर, ये चार क्षेत्र जो यूपी के हैं, महानगरी क्षेत्र हैं, बड़े शहर हैं, यहाँ का हाउस रेंटल चार्ज ज़्यादा होगा साथियों, तो इसीलिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है 2400 रुपये। लेकिन अगर दुर्भाग्य से ज्वाइनिंग मिलती है किसी छोटे शहर में, जैसे प्रतापगढ़, सीतापुर, रायबरेली, छोटे जिले हो गए, अगर यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो साथियों यहाँ पर मिलेगा आपको 1200 रुपये। जबकि अगर उससे छोटे कस्बे यानी जो शहर में कन्वर्ट नहीं हुए हैं लेकिन शहर में परिवर्तित होने वाले हैं, यानी अभी छोटे कस्बे हैं या छोटे जिले हैं, जैसे श्रावस्ती हो गए, ठीक है ना, ये सब छोटे छोटे जिले हैं, तो यहाँ पर जो आपको हाउस रेंटल चार्ज मिलेगा भैया वो मिलेगा 800 रुपये, यानी तीन कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। अब आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर होती है उसके हिसाब से ये आपको पेमेंट मिलेगा। अब इसके बाद बात करेंगे DA की। DA मतलब महंगाई भत्ता, यानी कि डियरनेस अलाउंसेस की बात करेंगे तो महंगाई भत्ता कितना होता है। तो साथियों महंगाई भत्ता जो आपका बेसिक पेमेंट होता है उसका 31% यानी 31% मिलता है। यहाँ पे लिखेंगे बेसिक पेमेंट, और साथियों बेसिक पेमेंट का कितना परसेंट, तो 31%। अब बेसिक पेमेंट कितनी है, तो बेसिक पेमेंट की बात हम यहाँ पर करेंगे तो बेसिक पेमेंट आपकी है 21,700 रुपये, और इसका अगर हम 31% निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ परसेंटेज हटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। बेसिक सा फार्मूला होता है मैथ में, आप सभी लोग जानते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ से जीरो कैंसिल करेंगे। अब इनका और इनका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साथियों यहाँ पर 6,727 रुपये, यानी कि 6,727 रुपये पेमेंट किसका आता है, तो आपका DA यानी महंगाई भत्ता इतना मिलेगा। तो आपको बेसिक पेमेंट आपका क्या है 21,700 रुपये, और इसी का 31% हमने निकाला तो महंगाई भत्ता यानी 6,727 रुपये आपका DA होता है, महंगाई भत्ता। हम महंगाई भत्ते की बात आगे करेंगे, तो महंगाई भत्ता मिल गया, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें परमानेंट नहीं होंगी, यानी आपको हमेशा नहीं मिलने वाला है। मेडिकल फैसिलिटीज़ ये भी आपको हमेशा नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप हमेशा बीमार नहीं पड़ेंगे। और अब अगर आप लेखपाल बन जाते हैं
पटवारी बन जाते हैं तो पटवारी बनते ही आपको लैपटॉप भी मिलता है, क्योंकि अब आधुनिक जमाना आ गया है, तो ये चीज़ें आपको अलग से प्रोवाइड कराई जाएंगी, ये सैलरी में ऐड नहीं होगी। जैसे आपको घूमने के लिए जब कहीं जाएंगे तो ट्रैवल अलाउंसेस बेटा हमेशा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि आपको मेडिकल सुविधाएं, भाई आप बीमार पड़ेंगे तब आपको मेडिकल सुविधाएं अलग से प्रोवाइड कराई जाएंगी, यानी आपकी सैलरी से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्लियर रखना है। इसके बाद बात करेंगे कि टोटल ग्रॉस सैलरी की। अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी, तो ग्रॉस सैलरी में हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं, टोटल सैलरी, ग्रॉस क्या है, एक टेक्निकल शब्द है, और टेक्निकल शब्द मतलब यहां ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, यानी कि कुल, यानी कुल आपकी सैलरी कितनी बनती है। तो कुल सैलरी के लिए सबसे पहले आपको कितना क्या मिल आपको ऐड होगा, यानी बेसिक पेमेंट। बेसिक पेमेंट कितना है, बेसिक पेमेंट की बात करेंगे, उसके बाद आपका एचआरए कितना मिल रहा है, और एचआरए के बाद बात करेंगे तो महंगाई भत्ता, तीनों को प्लस कर लेंगे तो आपकी कुल सैलरी कितनी मिलेगी ये बनती है। तो बेसिक पेमेंट अभी हमने आपको बताया था 21,700 रुपए है, जबकि एचआरए की बात करेंगे तो हम ये मान लेते हैं आपकी ज्वाइनिंग एक्स कैटेगरी में हुई है, यानी कि 2400 रुपए आपको मिल रहा है, तो 2400 रुपए यहां पर मिल गया, और डीए की बात करेंगे 6,727 रुपए, यानी कि ये टोटल पेमेंट आपको मिला, यानी ये क्या हुई ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस मतलब क्या होता है, टोटल या कुल हो जाता है, तो प्लस करने पर कितना आएगा ये हमें देखना है, यानी कि 30,827 रुपए। तो साथियों कितना आएगा, दोनों को तीनों को प्लस कर लेंगे तो यहां पर आपको जो पेमेंट बनेगा 30,827 रुपए, ये बनती है कुल सैलरी। अब आप देखेंगे सोचेंगे कुल सैलरी इतनी मिली, यानी टोटल आपकी इनकम इतनी होगी, लेकिन ये पूरा पेमेंट आपको मिलने वाला नहीं है, इसमें भी कुछ डिडक्शन हो जाता है, यानी कुछ घट जाता है, यानी उसमें से आपका पीएफ अकाउंट हो गया और पेंशन वगैरह हो गया, उसमें भी चली जाती हैं चीज़ें। तो जो आपकी टोटल सैलरी होती है, ठीक है ना, टोटल सैलरी इतनी मिलती नहीं है, इसमें डिडक्शन क्या होता है, तो डिडक्शन में देखेंगे बेसिक पेमेंट, यानी बेसिक पे जितना है उसका 10% क्या होगा, माइनस होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, डीए, डीए का भी 10%, तो डीए का भी 10% क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों ध्यान रखना है, यानी कि बेसिक पेमेंट का भी 10% और डीए का भी 10% क्या होगा, माइनस होगा। तो आगे देखेंगे हम इसी में कि जो भी डिडक्शन हो रहा है कितना, अब डिडक्शन मैंने बताया था बेसिक पेमेंट कितनी थी, तो 21,700 रुपए, 21,700 रुपए का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10 × 100 से डिवाइड करेंगे, प्लस कितना आपका महंगाई भत्ता जो कि 6,727 रुपए, 6,727 रुपए था, इसका 10% निकालेंगे तो यहां पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से भी 0 कैंसिल आउट और 1 0 यहां पर कैंसिल आउट, यहां पर करेंगे तो ये पॉइंट यहां पर लग जाएगा। हम मोटा मोटी अगर आंकड़ा निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2170 रुपए हो जाएगा, जबकि प्लस करेंगे तो 672, ये आ जाता है टोटल डिडक्शन। अब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,774 हो जाएगा, कैरी 1 6 और 1 7 और 1 कैरी 8 हो जाएगा और 2, यानी 2842 रुपए, 2842 रुपए का क्या होगा यहाँ पर D4 क्या हो जाएगा, डिडक्शन, यानी कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी थी, जो टोटल सैलरी थी, उसमें से 2842 रुपए माइनस कर दिया जाएगा, तो वही आपको एक्चुअल में पेमेंट मिलेगा। जो एक्चुअल पेमेंट हो जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे नेट सैलरी। अब आपको नेट सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कि जो टोटल सैलरी थी 30,827 रुपए, तो 30,827 रुपए थी, जिसमें से 2842 रुपए भैया क्या हो गई, डिडक्शन हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो बात करेंगे नेट सैलरी की, तो नेट सैलरी में से टोटल सैलरी थी यानी ग्रॉस सैलरी, तो 30,827 रुपए, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे कितना 2842 रुपए, अगर इतना माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखते हैं, तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, अगर यहाँ से माइनस करेंगे सेकंड तो इसे जाएगा कैरी लेंगे, 12 से 4 गया 8 और यहाँ पर 7 कैरी लेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल होके 9 आ जाएगा, और यहाँ पर एक कैरी लेंगे 9 से 2 तो 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 27,985 रुपए आपकी नेट सैलरी आएगी। इन हैंड आपको ये सैलरी मिलने वाली है, इसको हम मोटा मोटा ले लेते हैं कितना रुपये, 28,000 रुपये, यानी कि 28,000 रुपये साथियों आपको मिलेगी इन हैंड सैलरी, आपको आपके हाथ में इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है। तो आपको इन हैंड सैलरी साथियों कितनी मिलेगी, 28,000 रुपए मिलने वाली है लेखपाल पटवारी बनने के बाद। तो पटवारी बनेंगे आपको 28,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलेगी, और आपको यह भी ध्यान देना है
कि इसी 28,000 रुपए में से आपको अपना खर्चा चलाना है। 28,000 रुपए भी साथियों कम नहीं होते हैं, ये भी आपके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त होते हैं, एक जो सामान्य जीवन निर्वाह होता है। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे, अभी आप लोगों कमेंट आते हैं कि सर इसमें एक्स्ट्रा इनकम क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे लेखपालों ने एक्स्ट्रा इनकम के दम पर बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किया है। तो आप लोगों को सोचिए जरा कि आप किस पे शासन करने जा रहे हैं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि साथियों आप शासन करने जा रहे हैं किसके ऊपर, किसानों के ऊपर, क्योंकि वहीं पर रूल करेंगे, उन्हीं की खसरा खतौनी, उनकी जमीन से संबंधित सारे कागजातों का आपको निर्माण करना होगा। अगर सोचिए जो किसानों की स्थिति इस समय भारत में ऐसे ही दयनीय है, अगर आप लोग भी किसानों का शोषण करने के लिए ही वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि राजनेता वगैरह है ना, बहुत सारे यहाँ पे अधिकारी जो होते हैं या राजनेता होते हैं जितने हमारे यहाँ, वो तो ऐसे भी लगातार किसानों का शोषण कर रहे हैं। अगर आप लोग भी उनका खून पीना स्टार्ट करोगे, यानी उनकी गाढ़ी कमाई, जो भी खून पसीने का पैसा होता है, उसे भी आप लोग लेने लगोगे ओवर इनकम के रूप में, तो किसान तो ऐसे भी परेशान रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं भी झेलता है, किस तरीके से खेती करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, इन सभी के बारे में सोचिएगा क्या स्थिति उसकी होती है किसानों की। तो आप सभी लोग इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम तो पैसा इतना कमा ही रहे हैं, 28,000 भी कम नहीं होता है। आप अपना जीवन निर्वाह थोड़ा खर्चे कम कर दीजिए, है ना, संसाधनों को सीमित कर लीजिए और सब कुछ अच्छे से चलेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। और जितने भी खर्चे आप चाहे इतना पैसा कमा लीजिए, हमेशा अगर आपकी आवश्यकताएं ज़्यादा हैं तो आवश्यकताओं कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, यानी डिजायर, इच्छाएं अनंत होती हैं, उनको कभी भी फुलफिल नहीं किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों से आशा है कि इस वीडियो के बाद आप लोग जो भी लेखपाल के पद पे जाएंगे तो आपको जो सैलरी मिलने वाली क्लियर है। अगर आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, RO AR और भी PCS पोस्ट हैं, वहाँ पर जा करके आप तैयारी करके सिलेक्शन पा करके ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो साथियों आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर आंसर की बात करेंगे, निम्न में से किसके शासनकाल में पटवारी प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो साथियों पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के शासनकाल में की गई थी, लेकिन बाद में आगे चलकर के अकबर ने इसे अच्छे तरीके से लागू करवाया था। बाद में ब्रिटिश शासनकाल में 1918 से लेखपाल पद के भी वहां पर है ना सृजन किया गया। तो आप देखेंगे पटवारी पद की शुरुआत किसके शासनकाल में, तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई थी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखा है। आगे बात करेंगे हमारे कोर्सेज के बारे में, तो MJT ऐप आपको डाउनलोड करना है, और MJT ऐप डाउनलोड करके बहुत सारी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ईबुक है, वीडियो कोर्सेज हैं, मॉक टेस्ट हैं, कुछ भी स्टडी मटेरियल अगर आप लेना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। और भी हमारे इंडिविजुअल बैचेस हैं, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच है, उत्तर प्रदेश खाकी बैच, राज्य व्यवस्था एंड संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य हिंदी, अंगणित, NSSC JD भर्ती परीक्षा, किसी भी परीक्षा में जाकर के आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं किसी भी कोर्स को लेकर के। अगर आप लोग चाहते हैं कि लेखपाल की क्या कार्यप्रणाली होती है, कैसे काम करता है, किस स्तर का अधिकारी होता है, इन सभी वीडियो के बारे में और भी अगर जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आगे उस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई साथियों से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।